सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को नए नए टाइप के नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या जो बायोटिन मेडिसिन आप लेते हो हेयर फॉल के लिए, उससे क्या हेयर फॉल एकदम रुक जाएगा और क्या उससे हमारे नए बाल आ सकते हैं, मतलब जो हेयर है रीग्रोथ हो सकते हैं या नहीं, या फिर हम कहते फिनिस्ट्राइड जो आप टेबलेट लेते हैं उससे आपका हेयर फॉल रुक जाएगा या नए बाल आ सकते हैं कि नहीं। ऐसे ही हम पीआरपी की बात कर लें या मिनोक्सिडिल की बात कर लें। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं जो है इन सब के बारे में बताऊंगा कि इन जो जो आप हेयर फॉल के लिए ट्रीटमेंट लेते हैं उनसे हमारा हेयर फॉल कितने परसेंटेज तक रुक जाता है, या हम बोल दें कि उनसे नए बाल आते हैं या नहीं। तो दोस्तों, वीडियो चालू करने से पहले मैं बता दूं कि इसके पहले भी कई सारे मैंने वीडियोज़ बनाए हैं हेयर फॉल से रिलेटेड, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं कि नहीं। तो दोस्तों, उन्हीं वीडियो में मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे इस टाइप के, तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना के आपको पूरा बता दिया जाए। हालांकि अगर आपने मेरे पूरे वीडियो देखे हैं तो मैंने सभी जो आपके जो क्वेश्चंस हैं जो आपने मुझसे करे हैं उन सभी का मैंने उन वीडियो में जवाब दिया है। खैर, कोई बात नहीं, इस वीडियो में आपके जो मन में डाउट है आज क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले बायोटिन ले लेता हूँ। जो बायोटिन मेडिसिन होती है जो हम हेयर फॉल रोकने के लिए, या हम कह दें कि जो हमारे हेयर होते हैं उनको हेल्दी रखने के लिए हम लेते हैं, ठीक है। तो जो बायोटिन मेडिसिन होती है दोस्तों, उसकी जगह कई लोग मल्टी विटामिन भी यूज़ करते हैं। उस मल्टी विटामिन जो मेडिसिन होती है, जो टेबलेट होती है, उसमें भी बायोटिन दोस्तों पाया जाता है, जो कि हमारे बॉडी में बायोटिन की कमी होती है, तो जो हमारे हेयर हैं कहीं ना कहीं उस कारण भी हमारे बाल झड़ते हैं। तो ठीक है, आप बायोटिन मेडिसिन लेते हैं हेल्दी हेयर के लिए, या कहते हैं हेयर फॉल रोकने के लिए। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि बायोटिन ही मेडिसिन ले ली है आपने तो आपका हेयर फॉल एकदम स्टॉप हो जाएगा, या हम कह दें कि आपके नए बाल आ जाएंगे, ठीक है। वैसे ही दोस्तों, कई लोग कमेंट्स करते हैं कि फिनिस्ट्राइड हम टेबलेट ले रहे हैं तो इससे क्या हेयर फॉल स्टॉप हो जाएगा और हमारे नए बाल आएंगे या नहीं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बता दूं, ये जो हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, सबसे पहले तो ये हेयर फॉल जो है उसको रोकने के लिए कर रहे हैं, ठीक है ना। हमारे जो बाल झड़ रहे हैं उसको रोकने के लिए कर रहा है। तो रीग्रोथ की जहां तक मैं बात करूं, आपके नए बाल आएंगे या नहीं, तो दोस्तों नए बाल इतनी आसानी से नहीं आते हैं। अगर आपके हेयर फॉलिकल्स हैं, हेयर फॉलिकल जिंदा हैं, तो जरूर नए बाल उगेंगे, अदरवाइज तो नए बाल नहीं आएंगे। हाँ, ये जरूर है जो आपके बाल हैं वो झड़ने से रोक सकते हैं अगर ये सब आप ट्रीटमेंट लेते हैं तो। दोस्तों, नए बाल इतनी आसानी से नहीं आते हैं। एक एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं आपको। मान लीजिए आप कोई पौधा लगाते हैं, मतलब मेरा मतलब है किसी पौधे का बीज डालते हैं आप, तो खूब सारे आपने बीज डाले, तो उनमें से जरूरी नहीं कि जो हर बीज है हर बीज में से पौधा उगेगा। कहीं ना कहीं कुछ बीज ऐसे रहेंगे, या तो बोल दें कि बेकार बीज रहेंगे या डेड रहेंगे, उनमें से बीज नहीं उगेगा चाहे आप कितना भी पानी डाल दें या कोई भी खाद डाल दें। तो जो अच्छे बीज हैं उनमें से पौधा उगेगा, अदरवाइज जो बेकार बीज हैं उनमें से कुछ नहीं होगा, आप कितनी मेहनत कर लें। तो वैसे ही दोस्तों, बालों के लिए अगर हेयर फॉलिकल्स डेड हो गए, आप कुछ भी कर लो तो नए बाल नहीं आएंगे। हाँ, ये जरूर है अगर आपका हेयर फॉल स्टॉप हो गया है काफी हद तक, और आपके जो कुछ हेयर फॉलिकल्स मान लीजिए जीवित हैं, जिंदा हैं, तो बिल्कुल वो हेल्दी हो जाएंगे और जो है नया बाल आ जाएगा, ठीक है ना। तो नए बाल ऐसे ही नहीं आते, ठीक है ना। तो दोस्तों, एक एग्जांपल और देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपका हेयर फॉल हो रहा है, ठीक है, तो आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई भी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं और उनको बताते हैं कि मेरा हेयर फॉल हो रहा है। तो बेसिक ट्रीटमेंट जो है दोस्तों, या मैं कह दूं कि मोस्टली डॉक्टर जो है सबसे पहले आपको बायोटिन जो है टेबलेट लिखेंगे, या मल्टीविटामिन उसकी जगह लिख देंगे, और मिनोक्सिडिल। मिनोक्सिडिल तो दोस्तों एक बेसिक ट्रीटमेंट है, वो शुरू से लेकर आखिरी तक आपका चलेगा, या मैं कह दूं जिंदगी भर चलेगा। तो दोस्तों, मिनोक्सिडिल के बारे में काफ़ी सारे वीडियो बनाए हैं, आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जाके। तो मिनोक्सिडिल आपको डॉक्टर लिखेगा, एक लिखेगा बायोटिन, फिर डॉक्टर आपसे बोलेगा कि ठीक है आप 15 दिन या 1 महीने बाद, मतलब या 20 दिन बाद आइए और मुझे बताइए आपका हेयर फॉल कितने हद तक रुका। तो दोस्तों, आप मान लीजिए 15-20 दिन बाद जब भी गए डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर से आप बोलोगे कि मेरा जो हेयर फॉल है मतलब कोई फायदा नहीं हुआ मुझे बायोटिन और मिनोक्सिडिल लगाने से, ऐसा कई लोगों को होता है। तो फिर उस कंडीशन में डॉक्टर क्या करेगा दोस्तों, अगर फायदा हुआ तो ठीक है, डॉक्टर बोलेगा ये जो ट्रीटमेंट आप कंटिन्यू रखिए, ठीक है ना, 2 महीने 3 महीने 4 महीने, ठीक है। तो अगर आपको फायदा नहीं हुआ है तो डॉक्टर क्या करेगा उसमें, फिनिस्ट्राइड। फिनिस्ट्राइड दोस्तों बता दूं, सिर्फ मेल पेटर्न बाल्डनेस में यूज होता है, मतलब जो पुरुष लोग होते हैं उनमें फिनिस्ट्राइड यूज होता है, महिला लोगों में फिनिस्ट्राइड टेबलेट की जरूरत नहीं होती है। हालांकि कुछ कुछ कंडीशन में फिनिस्ट्राइड जो है लेडीज जो फीमेल पेशेंट होते हैं उनको भी डॉक्टर लोग रिकमेंड करते हैं, लेकिन दोस्तों फिनिस्ट्राइड मोस्टली जो है
जो मेल मेल के लिए होता है, ठीक है ना। क्योंकि मेल का क्या है दोस्तों, आपको पता है डीएचटी और एंड्रोजेनिक के कारण बाल झड़ते हैं, ठीक है। तो डॉक्टर क्या करेगा, फिनेस्टाइड भी ऐड कर देगा। तो दोस्तों क्या हो गया, बायोटिन भी डॉक्टर ने लिख दी, फिनेस्टाइड भी लिख दी और मेलोक्सिडिल, तो आपको टॉपिकल जो है स्कैल्प में लगाना ही लगाना है, ठीक है। फिर आप कुछ दिन बाद गए डॉक्टर से, बोला कि सर मुझे ज्यादा फायदा नहीं मिला, अभी भी मेरा हेयर फॉल हो रहा है। तो डॉक्टर फिर क्या बोलेगा कि एक काम करिए, आप पीआरपी भी करा लीजिए। हम पीआरपी की सिटिंग करेंगे, कम से कम 3 सिटिंग तो दोस्तों करानी पड़ती है और कराई जाती है, ठीक है ना। मान लीजिए 1 महीने में 1 सिटिंग होती है, तो 3 सेटिंग मतलब 3 महीने तक, ठीक है। तो डॉक्टर बोलेगा ठीक है, हम पीआरपी भी करके देखते हैं। तो दोस्तों आपने बायोटिन ले रहे हैं, फिनेस्टाइड भी ले रहे हैं, मिनोक्सिडिल भी ले रहे हैं और पीआरपी की सिटिंग्स भी करा रहे हैं। तो दोस्तों फिर डॉक्टर बोलेगा आप कुछ दिन बाद मुझे रिजल्ट बताइएगा। तो दोस्तों बिल्कुल आपको इतना सब अगर आप करेंगे, ये पूरे पैकेज हो गया, आप इतना सब करेंगे तो बिल्कुल आपका हेयर फॉल कुछ हद तक, काफी नहीं बोलूंगा तो कुछ हद तक तो रुक ही जाएगा। और अगर तब भी नहीं रुकता है तो डॉक्टर ज्यादा से ज्यादा आपसे यही बोलेगा कि आप कंटिन्यू करिए, कम से कम 3 महीने ये चीज कंटिन्यू करके देखिए। अगर उसके बाद भी रिजल्ट नहीं मिलता है तो फिर दोस्तों आपके पास जो है आखिरी ऑप्शन रहेगा हेयर ट्रांसप्लांट। फिर दोस्तों मुश्किल है, अगर इतना सब करने के बाद भी अगर आपका हेयर फॉल बिल्कुल भी नहीं अगर स्टॉप हो रहा है, तो फिर मेरे ख्याल से तो कोशिश मत करिए। 3 महीने बाद आप जो है, मतलब आगे देखिए, मेरा मतलब हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ देखिए, और डॉक्टर से जो है आप अच्छे से कंसल्ट करिए, ठीक है। तो ये सब ट्रीटमेंट जो है दोस्तों, सबसे पहले तो हेयर फॉल रोकने के लिए है। अगर इसमें आपके हेयर फॉलिकल्स हैं तो बिल्कुल हेयर फॉल भी रुकेगा और आपके जो बाल हैं रीग्रोथ भी होंगे, लेकिन चांसेस दोस्तों रीग्रोथ होने के कम होते हैं। क्योंकि आपके जो है बाल जो पहले से झड़ चुके हैं, तो मोस्टली क्या होता है कि हेयर फॉलिकल्स डेड हो जाते हैं, तो डेड हो गए तो बाल आना मुश्किल होता है। ऐसा नहीं है कि कुछ बाल तो दोस्तों रीग्रोथ बिल्कुल होते हैं। तो ये सब पैकेज होता है, इसके अलावा भी मीजोथेरेपी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हालांकि मेन जो ट्रीटमेंट यही है दोस्तों, पीआरपी के काफ़ी अच्छे रिजल्ट आते हैं। तो मेरे जो ख्याल से दोस्तों ये एक कंप्लीट पैकेज है, ठीक है। तो दोस्तों इधर मैं बता दूं, मैंने भी ये सब ट्रीटमेंट लिया है और प्रॉपर तरीके से लिया है। पहले मिनोक्सिडिल लगाता था, फिर मैं बायोटिन टेबलेट लेने लगा, और फिर डॉक्टर ने बोला, फिर उसके बाद मेरा काफ़ी काफ़ी दिन तक हेयर फॉल रुक गया सिर्फ मिनोक्सिडिल और बायोटिन से। लेकिन उसके बाद फिर बीच में ऐसा हुआ दोस्तों कि फिर से हेयर फॉल होने लगा, तो डॉक्टर ने मुझे फिनेस्टाइड दी। फिनेस्टाइड के बाद मेरा हेयर फॉल रुक गया, लेकिन उसके बाद फिर मेरा हेयर फॉल होने लगा, फिर मैंने पीआरपी कराई। तो एक प्रॉपर जो है, एक प्रॉपर सिस्टम से जो है एक ट्रीटमेंट मैंने भी कराया है। अगर ये सब नहीं कराता तो हो सकता है दोस्तों मैं आज से 10 साल पहले ही गंजा हो चुका होता, अगर ज़्यादा नहीं बोलूँ तो 8 साल पहले तो हो चुका होता। लेकिन मैं स्टार्टिंग से ही प्रॉपर ट्रीटमेंट करा रहा हूँ। मिनोक्सिडिल तो मैं कभी छोड़ता ही नहीं दोस्तों, मुझे इतने साल हो गए, मिनोक्सिडिल तो मैं रेगुलर लगाता हूँ। हाँ कुछ दिन छोड़ छोड़ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिनोक्सिडिल तो एक बेसिक ट्रीटमेंट है, वो समझ लीजिए आपको ज़िंदगी में लगाना है। तो इस तरीके से आप भी कराएंगे, हिम्मत मत हारिए, मेरा मतलब है आप ट्रीटमेंट प्रॉपर तरीके से कराइए और कोई अच्छे से डर्मेटोलॉजिस्ट से आप संपर्क करिए, तो बिल्कुल आपका भी हेयर फॉल जो है रुक जाएगा। तो दोस्तों इधर मैं बताना चाहता हूँ, कोई एक चीज, कोई एक पर्टिकुलर चीज पे जो है कोई भी चीज डिपेंड नहीं है। अगर आप बोलते सिर्फ बायोटिन से ही पूरा काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। किसी एक चीज पे आप डिपेंड नहीं हो सकते, आपको पूरा पैकेज लेने पड़ेगा। हाँ ये जरूर है कि बेसिक ट्रीटमेंट जो है बायोटिन मेडिसिन और एक मिनोक्सिडिल से होता है। अगर इससे ही फायदा मिल जाता है तो बहुत अच्छा है दोस्तों, और खासतौर से लेडीज लोग को इससे फायदा मिल जाता है, क्योंकि उनका डीएसटी और एंड्रोजेनिक के कारण बाल नहीं झड़ते। लेकिन जेंट्स लोगों में दोस्तों दिक्कत है एंड्रोजेनिक और डीएसटी, तो उनके साथ थोड़ी सी दिक्कत है दोस्तों। उनको मेरे ख्याल से तो बायोटिन और मिनोक्सिडिल से कई बार फायदा नहीं मिलता है, तो उनको साथ साथ फिनेस्टाइड या केदो ड्यूटास्ट्रोइड भी देते हैं और पीआरपी भी कराते हैं डॉक्टर। एक चीज़ पे आप डिपेंड नहीं हो सकते कि मैं, और मैं ही नहीं बोल सकता कि आप ही खाएंगे तो फायदा मिलेगा ही मिलेगा, है ना। और कुछ दिन तक आपको ये टेबलेट या मेडिसिन जो भी ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, ऐसे रातों रात चमत्कार जो है दोस्तों नहीं होगा, ठीक है। अभी तो एक और क्वेश्चन होता है, कई लोग बोलते हैं 10% यूज करें, 5% या डॉक्टर ने 10% लिखा। तो दोस्तों अगर आप डॉक्टर को बताओगे मेरा हेयर फॉल थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी में हो रहा है, तो डॉक्टर कई बार क्या करते हैं 10% मिनोक्सिडिल लिखते हैं, उसके बाद धीरे धीरे अगर हेयर फॉल आपका कम होता है तो 5% पे आ जाते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों एक तो ये चीज हो गई, और दूसरी चीज कई लोग ये पूछते हैं मुझसे कि हम इसके अलावा होम्योपैथिक साथ साथ ट्रीटमेंट करा सकते हैं नहीं, या कोई आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करा सकते हैं कि नहीं। तो दोस्तों इसके साथ साथ बिल्कुल आप करा सकते हो होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक कोई ट्रीटमेंट कराया हो। लेकिन अगर आपको कोई होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक ऑयल लगा रहे हो स्कैल्प में लगाने के लिए, कोई डॉक्टर ने दिया है, आप खुद से ही लगा रहे हो, तो मैं ये आपको बोलूंगा आप मिनोक्सिडिल मत लगाइए। फिर एक कोई से भी चीज लगा लीजिए, मिनोक्सिडिल लगा लीजिए या कोई हेयर फॉल से रिलेटेड ऑयल लगा रहे हैं तो वो लगा लीजिए। हाँ नॉर्मल ऑयल आप लगा सकते हैं, उस विषय में मैं एक वीडियो बना चुका हूँ दोस्तों उसको लेकर,
तो दोस्तों ये रिकमेंड करूंगा आप एक ही ट्रीटमेंट कराइए, या तो एलोपैथी कराइए, होम्योपैथी या आयुर्वेदिक करवाइए, ठीक है ना। इससे क्या होगा, आपको भी पता लगेगा कि मुझे किससे किस ट्रीटमेंट से फायदा मिला है। तो इधर अगर आप मिक्स कर देंगे, एलोपैथी ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं, मान लीजिए बायोटिन भी ले रहे हैं और फेनिस्टाइड भी खा रहे हैं, उसके अलावा भी कोई होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक मेडिसिन खा रहे हैं, तो थोड़ा मिक्स हो जाएगा। तो मेरा तो यही ख्याल है दोस्तों, आप अगर एलोपैथी से फायदा नहीं मिल रहा है, होम्योपैथिक लेना चाहते हैं, तो उसको अलग से लीजिए, मतलब मिक्स मत करिए। कई लोग मुझसे पूछते हैं साथ साथ हम होम्योपैथिक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी करा सकते हैं, नहीं तो करा तो सकते हैं, लेकिन मैं ये रिकमेंड करूंगा एक ही ट्रीटमेंट कराइए, कोई भी, चाहे होम्योपैथिक हो आयुर्वेदिक हो। अब कई लोग दोस्तों ये भी मुझसे सवाल करते हैं, बोलते हैं कि हम इतना सब क्यों करवाएं, इससे अच्छा है कि हम एक बार हेयर ट्रांसप्लांट करवा लें। तो दोस्तों मैं बता दूं कि हेयर ट्रांसप्लांट जो एक आखिरी ऑप्शन है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट इतना ईजी है, तो दोस्तों इतना ईजी नहीं है, उसमें भी डोनर एरिया की दिक्कत होती है। अगर आपका हेयर फॉल ज़्यादा हो गया है तो डोनर एरिया भी ज़्यादा चाहिए। मान लीजिए आपके जो पीछे के बाल जो है ये सामने लगाते हैं, तो दोस्तों अगर पूरे पीछे के बाल तो लगा नहीं सकते, अगर ज़्यादा क्वांटिटी में पीछे के बाल आपके निकाल लिए तो पीछे से गंजे दिखने लगेंगे, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि हेयर ट्रांसप्लांट इतना ईजी है। और मैं एक चीज़ और बता दूँ दोस्तों, अगर हेयर ट्रांसप्लांट कराते भी हैं आप, तो जो आपके पुराने बाल होंगे बीच बीच में कहीं कहीं, उनको रोकने के लिए कहीं ना कहीं आपको मिनोक्सीडिल यूज करना ही पड़ेगा, या हो सकता है बीच बीच में आपको पीआरपी भी कराना पड़े। तो इतना आसान नहीं, आप सोच रहे हो डायरेक्ट हम गंजे हो रहे हैं, ठीक है हो जाने देते हैं और बाद में हेयर ट्रांसप्लांट करवा लेंगे, ठीक है अगर आपके पास पैसा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप हेयर ट्रांसप्लांट करा सकते हैं, लेकिन इतना ईजी नहीं है। तो इसलिए मैं दोस्तों अभी भी आपसे कह रहा हूँ, अगर आपके बाल हैं और काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में, तो बिल्कुल आप उसको रोकिए और बचा सकते हैं आप, अगर पूरे ट्रीटमेंट लेते हैं, अच्छी तरीके से लेते हैं, कोई अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट को आप दिखाते हैं, तो बिल्कुल आपका जो हेयर फॉल रुक जाएगा और आपके बाल बच जाएंगे। आप जो है हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ मत देखिए, वो एक आखिरी ऑप्शन होगा। अगर इन सब के बाद भी आपका हेयर फॉल होता है तो बिल्कुल आप ट्रांसप्लांट करा सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से आप ऑप्शन रखिए ट्रांसप्लांट को फिलहाल, तो आप अपने जो हेयर फॉल है उनको उसको रोकिए, ठीक है ना। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपके बहुत सारे कमेंट्स का आपको जवाब मिल गया होगा। फिर से मैं बता देता हूँ, कोई भी चीज़ जो है एक ही चीज़ पर डिपेंड नहीं है। मतलब आपको एक ही बायोटिन ही खा रहे हैं तो उसी से सब कुछ नहीं हो जाएगा, फेनिस्टाइड खा रहे हैं तो उसी से सब कुछ नहीं हो जाएगा। अगर ठीक है आपको फ़ायदा मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन दोस्तों एक पैकेज होता है इसका भी, अगर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जो है डॉक्टर भी जो है ट्रीटमेंट बढ़ाते जाता है, ठीक है ना, बायोटीन, फिनिस्टराइड, पीआरपी ऐसे बढ़ाते जाता है, अगर आपको फायदा नहीं मिल रहा है तो, अदरवाइज फायदा मिल गया तो बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों मेरा वीडियो इधर ही खत्म होता है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा और मेरा वीडियो जो है पसंद आया होगा। और अभी भी दोस्तों समझ में कुछ नहीं आया तो बिल्कुल मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं कमेंट्स का जवाब दूंगा, और दोस्तों मैं देता ही हूँ कमेंट्स का जवाब, लगभग लगभग हर कमेंट्स का जवाब देता हूँ। और किसी के अगर कमेंट्स का जवाब नहीं दे पाया, कुछ मुझे ऐसा लग रहा है, तो मैं वीडियो बना के ही आपके क्वेश्चंस का आंसर देता हूँ। तो दोस्तों जो नए लोग हैं तो सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर अच्छा ना लगे तो डिसलाइक कर दीजिए। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, मैं ऐसे नए नए टाइप के वीडियो लाते रहता हूँ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप बने रहिए और देखते रहिए आपका अपना चैनल नॉलेज फॉर इंडिया।